everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are safe and good. मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ ना, उस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैंने अमेजोन से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स एंड कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे. कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि कौन सा वीडियो पहले देखना है. लोगों ने वोट किया कि आप लोगों को क्लोदिंग हॉल पहले देखना है. तो गाइज, हियर आई एम. मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अमेजोन क्लोदिंग हॉल वीडियो. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, तो उसके बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, चेक कर लेना. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ अपना अमेजोन हॉल शेयर करने को. तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्लोदिंग आइटम है वो है ये टॉप. तो गाइज, ये है मेरा फर्स्ट टॉप. एंड गाइज, ये है रेड कलर का पोलका डॉट टॉप. ये टॉप ना मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा था. मुझे इन कपड़ों के ना एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, तो इधर या इधर लगा दूंगी एंड मैं लिंक्स भी दे दूंगी. तो इनके जो प्राइस है ना, वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि जितने प्राइस में ये मुझे मिला है उतना ही आपको भी मिले. मे बी आपको उससे कम में भी मिल सकता है या मे बी ज्यादा में मिल जाए. तो आप लोग चेक कर लेना लिंक्स के थ्रू. एंड गाइज, ये बहुत ही प्रीटी टॉप है. तो यहाँ पे मैं आपको इसे वेयर करके भी दिखाऊंगी. एंड इसका जो नेक है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. जो मुझे कपड़े फिट होते हैं, जो मेरा साइज है वो मीडियम है एम, बट मैं ना लार्ज, मुझे टॉप वगैरह ना थोड़ी लूज वूज बैगी टॉप ज्यादा पसंद है. साइज चार्ट देख लेती हूँ, तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि कौन से कपड़े में आपको कौन सा साइज मंगाना चाहिए. तो गाइज, इसमें मैंने मंगाया है लार्ज, बिकॉज इसका कपड़ा बिल्कुल भी स्ट्रेची नहीं है. सो दिस ब्रांड इज कॉल्ड स्टाइल कैन. टॉप कुछ इस तरह का लगता है. सो दिस इज मरून पोलका डॉट टॉप. एंड इसकी जो नेक है वो वी नेक लाइन है. एंड ये शॉर्ट स्लीव्स के साथ आता है. इसके फ्रंट में आपको ये नॉट मिल जाएगी, जिससे कि आप बो बना के स्टाइल कर सकते हैं. एंड इसका जो स्टाइल है ना, वो पैपलम स्टाइल है. तो अगर आपका टमी एरिया है तो हाइट करने के लिए बहुत ही परफेक्ट टॉप है ये. ऑल्सो यू कैन पेयर इट विद अ स्टाइलिश पेयर ऑफ जीन्स शॉर्ट्स एंड ट्राउजर टू कंप्लीट द लुक. जो मेरा नेक्स्ट परचेज है वो है ये स्कर्ट. एंड ये ना पीच कलर का स्कर्ट है. ट्रस्ट मी गाइज, इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. अच्छा, मुझे ये लगा स्कर्ट के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ अलग से वेयर करना पड़ता है, या फिर आपको शॉर्ट्स खरीदने पड़ते हैं, या फिर समटाइम आपको टमी टकर या हिपस्टर पैंटीज या फिर कुछ ऐसा पहनना पड़ता है कि जिसके वजह से वो सी थ्रू ना हो सके, नीचे से कुछ ऐसा ना दिख जाए जिससे कि आपको ऑकवर्ड फील हो. तो गाइस, मुझे स्कर्ट का ये लगा कि इसमें ना आपको यहाँ पे शॉर्ट्स मिल रहे हैं, मतलब इसी से अटैच्ड है ये शॉर्ट्स. तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है. एंड मैंने जब इसको वेयर किया ना, मेरा दिल आ गया. मतलब मुझे स्कर्ट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे परचेज किया था. एंड मेरे पास काफ़ी सारे स्कर्ट्स हैं. मैंने अमेजोन से ना पहले भी एक वाइन कलर की स्कर्ट ऑर्डर करी थी, एंड आप लोगों को स्कर्ट बहुत पसंद आई थी. मैंने सुनील का बर्थडे व्लॉग देख लेना, तो मैंने उसमें वेयर की हुई है. बहुत प्रिटी स्कर्ट है, तो वो भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी. दैट्स वाई मुझे पता था कि अमेजोन की स्कर्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, तो मैंने इसीलिए ऑर्डर किया. एंड ये एक मिनी स्कर्ट है, इसकी लेंथ भी अच्छी लगी एंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है. एंड ये भी वेयर करके दिखाती हूँ कि ये स्कर्ट मुझ पर कैसी लग रही थी. अगर इसमें कुछ ऐसे ब्रांड का नेम तो नहीं लिखा है, बट यह स्कर्ट इज वेरी प्रिटी. ये पीच कलर की ए लाइन फ्लेयर स्कर्ट है. एंड ये हाई वेस्ट बैंड के साथ आता है. इसका जो फैब्रिक है वो पॉली कॉटन है एंड इट्स वेरी स्ट्रेची एंड कंफर्टेबल. ऑल्सो आपको इसके अंदर ना ये अटैच्ड इनर शॉर्ट्स मिल जाएंगे, विच इज़ द बेस्ट थिंग, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा. एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है एंड इसका कलर भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट परचेज है वो है ये वाइट कलर का टॉप. एंड ये प्रॉपर वाइट कलर का टॉप है. इसके जो स्लीव्स हैं वो फुल स्लीव्स हैं. इसका जो नेक है ना, मतलब आप देख सकते हैं इसका नेक, ये जो नेक लाइन होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड हिट हार्ट नेक है मे बी, तो मुझे यहाँ पे ना ऐसे इलास्टिक लगे हुए हैं. तो जो मटेरियल है ना वो भी स्ट्रेची है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रहा था. एक वाइट कलर का टॉप है एंड इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर फैब्रिक है. एंड ये प्लेन पैटर्न के साथ आता है. इसका जो नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इसके जो स्लीव्स है ना, वो फुल स्लीव्स के साथ आता है. एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्लासी, स्टाइलिश एंड सेक्सी टॉप. यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 3 क्लोथिंग आइटम्स शेयर किए हैं, जो कि मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे. तो मैंने अनाया के लिए भी अमेजोन से एक ड्रेस ऑर्डर करी. अनाया के लिए मैं यहाँ पे अपनी लोकल मार्केट से ही ले लेती हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे भी. मैं मोस्टली ऑनलाइन लेती हूँ अनाया के, तो मैं हमेशा हॉपस्कॉच या फिर फर्स्ट प्राइस से लेती हूँ. एंड हॉपस्कॉच में ना सेम ऐसा ही ये टॉप एंड ये प्लाजो सेट मिल जाएगा आपको. मतलब बच्चों के कितने क्यूट क्यूट से एंड कितने प्रिटी से, मतलब टॉप ऐसे सेट्स मिल जाते हैं हॉपस्कॉच का. एंड जो प्राइस है वो है 1049 रुपीज़.
बट आई थिंक ये मुझे 750 या 799 में मिल गया था, विच इज़ अ गुड डील. मैंने जो अनाया का साइज मंगाया था ना, वो 3 to 4 ईयर्स के लिए मंगाया था. वैसे अभी अनाया 3 ईयर की है, बट मैं थोड़ा सा साइज बड़ा मंगाना चाहिए, बिकॉज बच्चों का ना पता नहीं होता बच्चे कब जल्दी बढ़ जाते हैं तो खाली वेस्ट हो जाते हैं. इसलिए मैं हमेशा अनाया का एक साइज बड़ा ही मंगाती हूँ. अनाया ने जब इसको वेयर किया था ना, अनाया इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ. मतलब अभी आप देख लेना, मैंने अनाया को भी पहना के दिखाया है, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए. अगर आप लोग अपने बेबीज के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं. इसमें साइजेस भी अवेलेबल है एंड आपकी बेबी बहुत क्यूट लगेगी इसको पहन के. ये इसका पैंट है, तो आप देख रहे हैं पैंट भी कितना स्टाइलिश है. मतलब नीचे से ना ये फ्रिल टाइप का, जैसे अम्ब्रेला कट टाइप का पैसा है. इसका पैंट है एंड ये इसका टॉप है. ये है टॉप एंड पैंट सेट, जो कि ब्लैक एंड कलर में है. एंड इसका जो मटेरियल है वो ब्रीदेबल कॉटन है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. इसकी जो डिज़ाइन है वो राउंड नेक है एंड क्यूट ऑल्टर नेक के साथ आता है. ये इसके जो स्लीव्स हैं ना वो ऑफ शोल्डर हैं एंड ऑल्सो काफ़ी स्टाइलिश, फैशनेबल एंड क्यूट लगता है. इसके जो पैंट है ना वो बहुत ही क्यूट फ्रिल्स हैं, जैसे अम्ब्रेला कट होता है ना वैसा है. अनाया से बहुत ही क्यूट लग रही थी. नेक्स्ट एंड लास्ट परचेज है अमेजोन से, वो है ये शूज़. एंड ये शूज़ मैंने ऑर्डर किए हैं अपने हस्बैंड सुनील के लिए. जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी 2nd of July को हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, मैंने सोचा कि मैं उनको शूज़ गिफ्ट कर देती हूँ. तो मुझे ये शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. एंड गाइज, मुझे ना उनका साइज़ भी पता नहीं था. मैंने उनके ना और मतलब जो शूज़ थे ना उसमें से साइज़ चेक कर करके मैंने उनके लिए ऑर्डर किया था. ये कलर बहुत पसंद है, ये नियॉन कलर के शूज़, तो मुझे भी लेने हैं अपने लिए. मुझे बहुत ही अच्छे लगे. मुझे प्रॉपर नियॉन चाहिए था, बट मुझे पता था कि उनको प्रॉपर नियॉन पसंद नहीं आएंगे, बट स्टिल मैंने हल्के से नियॉन तो ले ही लिए. ग्रे एंड जो नियॉन का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था. एंड उनका साइज 7 है, मैंने ऑर्डर किया था. एंड दिस ब्रांड इज कॉल्ड स्पार्क्स. अफोर्डेबल के साथ साथ आपको अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाएंगे. इसका जो प्राइस था ना वो वैसे तो ज़्यादा था, बट आई थिंक मुझे ये 1000 rupees में मिल गए थे. तो 1000 rupees में आपको अगर इतने अच्छे शूज़ मिल रहे हैं तो यार कौन नहीं लेना चाहेगा. अगर आप अपने हस्बैंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड, अपने ब्रदर को गिफ्ट करना चाहती हैं शूज़ गाइस, तो अमेजोन से स्पार्क्स के मैं इनकी लिंक भी दे दूँगी, तो आप ज़रूर गिफ्ट करना. बहुत अच्छी क्वालिटी है, पहनने के बाद काफ़ी स्टाइलिश एंड कूल लगता है. गाइस, ये मेरा लास्ट परचेज़ है. दिस इज स्पार्क्स मैन स्पोर्ट्स शूज़ एंड इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी स्टर्डी एंड स्टाइलिश है. ये रनिंग शूज़ हैं एंड ग्रे एंड नियॉन का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है. बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है एंड परफेक्ट गिफ्टिंग ऑप्शन है. इसके जो अपर मटेरियल है ना वो हाई क्वालिटी मैश के साथ आता है. दैट्स इट. सो गाइज, यही था मेरा आज का अमेजोन क्लॉथिंग हॉल वीडियो. ये सारे जो कपड़े हैं इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. आपको कुछ भी पसंद आता है तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाकर अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अमेजोन से एंड डेफिनेटली मैं अमेजोन के आप लोगों के साथ और भी हॉल शेयर करूंगी. आज के लिए बस इतना ही. अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो गिव अ बिग बिग थम्स अप एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना. एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना और साइड में रेड कलर के बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगे, आप उससे मिस नहीं हो पाएंगे. या गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय.